हे फूडीज, वेलकम टू विदेशी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो ब्रेड रोस्ट, जिसके लिए लिया है मैंने कुछ आलू मीडियम साइज़ के। इन्हें मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, अब हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे और एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। मैंने आलू को अच्छे से क्रश कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी धनिया और मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिर्च ली थी। ये मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। और लगभग आधा चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने इसका पूरा सा एक भरता अच्छे से बना लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम सारी बॉल बना लेंगे। ये मैंने कुछ नॉर्मल ब्रेड ली है। अब हम इनकी साइड को कट कर लेंगे, जिसका ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट होता है। आप इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं और हाथ से भी निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी ब्रेड भी कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इनके सारे पार्ट निकाल दिए हैं। अगर आप ब्लैक पार्ट नहीं निकालेंगे तो आपके ब्रेड रोल्स फट सकते हैं। ये मैंने एक बाउल लिया हुआ है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। और आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, ताकि हमारे ब्रेड के ऊपर भी अच्छा सा नमकीन स्वाद आ जाए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने ब्रेड को इसमें डिप करेंगे। हमें इसे अच्छे से भिगो देना है और हाथ से ऐसे प्रेस करना है, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो जाए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हर साइड से प्रेस करना है। ये देखिए, इसका पानी निकल चुका है। अब हम इसमें अपनी आलू की बॉल रख देते हैं और चारों तरफ से बंद कर देते हैं। ये ब्रेड रोल्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकाला जा रहा है। हम इसे चारों तरफ से घुमा के अच्छे से बंद कर लेंगे। ये देखिए, हमारी बॉल रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारी बॉल तैयार कर ली हैं। ध्यान रहे, बॉल कहीं से भी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम गोल होनी चाहिए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल लिया हुआ है, जो कि अब गर्म हो चुका है। इसमें अपनी सारी बॉल्स डाल देते हैं। हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। जितनी बॉल आपकी कढ़ाई में आ जाए उतनी डाल दीजिए, और ध्यान रहे एक एक करके ही डालनी है, जिससे ये आपस में चिपके नहीं और फटे नहीं। हम इन्हें हल्के से पलट लेंगे। इसके बाद हम और बॉल डाल देंगे। ये देखिए, मैंने और बॉल्स डाल दी हैं। ये देखिए, हमारी बॉल्स पकना स्टार्ट हो चुकी है। हम इन्हें थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट में ये पक जाती हैं। ये देखिए, अब ये पक चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है।
ये ब्रेड का बहुत ही आसान सा नाश्ता है। ये देखिए हमारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं, आप इन्हें एंजॉय करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले।